नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी नागफनी के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। नागफनी सब्जी का एक रूप है। यह पौधा कांटेदार होता है, इसे वज्रकंटका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कैक्टस है जो सूखी बंजर जगह पर उगता है। इसके पौधे को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। यह पौधा सबसे पहले मैक्सिको में उगाया गया था और अब यह भारत में भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। नागफनी स्वाद में कड़वी और प्रकृति में बहुत ही उष्ण होती है। नागफनी में राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, तांबा, आयरन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज शामिल हैं। यह कुछ जैविक यौगिकों जैसे फाइटोकेमिकल्स और कुछ पॉलीसेकेराइड्स का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आइए जानते हैं हम सभी नागफनी से होने वाले फायदों के बारे में। नागफनी कैलोरी में कम, अच्छी, वसा से भरपूर और कोलेस्ट्रॉल में कम होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्रोत है। नागफनी का छिलका काफ़ी मोटा और कांटेदार होता है, जिससे निकालने के बाद अंदर के भाग को खाया जाता है। अपने आहार में नागफनी को मिलाने से स्वास्थ्य को कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया में सुधार होता है इससे। जी हाँ, नागफनी कैक्टस का एक रूप है, इसीलिए ये बहुत रेशेदार होता है और इसमें बहुत अधिक आहार फाइबर होता है। पाचन प्रक्रिया में आहार फाइबर बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह आंतों के कार्यों के लिए बल्क जोड़ता है। यह दस्त और कब्ज के लक्षणों को कम करता है। इसके अलावा शरीर में अतिरिक्त फाइबर सक्रिय रूप से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकते हैं, जिससे आपके दिल के स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सकती है। इसके अलावा नागफनी के लाभ हैं वजन को घटाने में सहायक। नागफनी में कई ऐसे घटक होते हैं जो वजन घटाने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले फाइबर शरीर को पूर्ण महसूस करा सकता है और घ्रालिन को रिलीज करने से रोकता है। यह एक भूख को बढ़ाने वाला हार्मोन है। इसके अलावा यह संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल में बहुत कम है, लेकिन यह चयापचय की क्षमता से भरपूर है, इसीलिए यह बिना वजन बढ़ाए उच्च स्तर पर काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन B6, थियामिन और रेबोफ्लोविन की उपस्थिति भी चयापचय कार्य को जल्दी से करती है। इसके बाद अगला लाभ आइए जानते हैं। नागफनी का उपयोग है त्वचा के लिए बेहद लाभदायक। जी हाँ, नागफनी में मौजूद फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट गुण समय से पहले उम्र के लक्षणों के खिलाफ एक अच्छा रक्षात्मक तंत्र है। सेलुलर चयापचय के बाद मुक्त कण त्वचा पर रह जाते हैं, जो आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं, और नागफनी खाने से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और युवा बनाए रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये कैंसर के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। नागफनी में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स फ्लेवोनाइड यौगिकों, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की विविधता संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बेहद फायदेमंद होती है, खासकर जब विभिन्न कैंसर की बात आती है। एंटीऑक्सीडेंट फायदेमंद यौगिक हैं जो शरीर में मुक्त कणों की तलाश करते हैं और कैंसर कोशिकाओं में स्वस्थ कोशिकाओं के DNA को परिवर्तित करने के पहले उन्हें समाप्त कर देते हैं। नागफनी में विटामिन ए और फ्लेवोनोइड की सामग्री को भी त्वचा, फेफड़े और मुंह के कैंसर के लिए लाभकारी माना गया है। नागफनी के बेनिफिट्स जानते हैं हम मेटाबॉलिज्म के लिए। स्वास्थ्य के मामले में नागफनी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इसकी खनिज और विटामिन सामग्री है। नागफनी में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन B6 शामिल है, जो सभी सेलुलर चयापचय के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जो पूरे शरीर में एंजाइम कार्यों को विनियमित करते हैं। एक स्वस्थ अंग प्रणाली और हार्मोनल संतुलन आसानी से वजन कम करने में मदद करते हैं, स्वस्थ मांसपेशियों को बढ़ावा देता है और पूरे शरीर को टोन करता है। इसके अलावा मजबूत हड्डियों के लिए भी नागफनी लाभकारी होता है। इस शक्तिशाली कैक्टस पत्ती की खनिज सामग्री में कैल्शियम का एक मामूली स्तर शामिल है, जो क्षतिग्रस्त होने के बाद
मजबूत हड्डियों के निर्माण और हड्डियों की रिपेयर का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस पौधे में मैग्नीशियम भी शामिल है जो अनिद्रा, चिंता या बेचैनी से ग्रस्त लोगों में नींद पैदा करने के लिए एक उपयोगी खनिज है। यह शरीर में सेरोटोनिन को रिलीज करता है जिसके परिणाम स्वरूप मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। इसमें थोड़ा शामक प्रभाव भी होता है जो तंत्रिका के कार्यों को कम कर देता है और शरीर को शांत करता है, जिससे आपको आसानी से नींद आ जाती है। नागफनी का रस करे सूजन को कम। जी हाँ, नागफनी की पत्तियों से निकाले जाने वाले रस को शरीर के विभिन्न अंगों पर सूजन को कम करने वाले प्रभाव देखे गए हैं। नागफनी की पत्तियों से निकाले जाने वाले रस को शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रयोग करने से सूजन को कम करने वाले प्रभाव देखे गए हैं, जिनमें गठिया, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के तनाव से जुड़े हुए लक्षण भी शामिल हैं। इसके रस को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं या अधिक लाभों का आनंद लेने के लिए सब्जी का उपयोग करें। इसके अलावा नागफनी करे डायबिटीज का इलाज। जी हाँ, नागफनी के पत्तों से तैयार अर्क शरीर के भीतर ग्लूकोज के स्तर के लिए शक्तिशाली नियामक हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों के लिए यह ग्लूकोज के स्तर में कम स्पाइक पैदा कर सकता है, जिससे मधुमेह को मैनेज करना आसान हो जाता है। अल्सर के इलाज के लिए भी आप नागफनी का उपयोग कर सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज के रूप में नागफनी के पारंपरिक उपयोग के बाद हाल के अध्ययनों ने इन प्रभावों का सत्यापन किया है। आमतौर पर नागपेशियों में तरल पदार्थ और रेशेदार पदार्थ गैस्ट्रिक अल्सर के विकास को रोकते हैं और अल्कोहल के अत्यधिक खपत के कारण विकसित होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जो नियमित रूप से इस दर्दनाक स्थिति से ग्रस्त हैं, उनको इस शक्तिशाली जड़ी बूटी को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। लेकिन जहाँ इतने फायदे हैं आपको नागफनी के यूज करने के, उसी के साथ साथ कुछ एक नुकसान भी हो सकते हैं आपको, अगर सही तरीके से आप नागफनी का यूज नहीं करते हैं तो। रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने और प्रभावित करने की क्षमता के कारण नोप्लेस कभी कभी लोगों को हाइपोग्लाइसेमिक बना सकता है और यह ऑपरेशन से पहले भी अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ग्लूकोज और रक्त पोषक तत्वों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इन स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के अलावा नागफनी आपके आहार के लिए एक स्वादिष्ट और अत्यधिक पौष्टिक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप नागफनी का यूज करते हैं अपने जीवन में तो आप बहुत सारे लाभों को यूं ही उठा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑलवेज रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सबसे बेशकीमती धन है हमारे लिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर एक चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है, आ जाती है, तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को ऑलवेज बैलेंस्ड रखें। अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो कि ज़रूरत होती है, जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से केवल मीठा मीठा खाना ही खाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा, विटामिन सी चाहिए होगा, वो नींबू से मिलेगा। आप केवल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार, तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में। इसीलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना ज़रूरी है। सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाएं या डाइट चार्ट बनाएं जिसमें कि हर एक चीज़ शामिल हो, जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।